पप्पी में जो लैब्रा होता है वो कुछ और होता है, और बड़ा होने के बाद उसका बिहेवियर कुछ और हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हो ये प्यारा सा लैब्राडोर, एक्चुअली मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। ये एक पेपर डॉग है और इसका जो ब्लड लाइन है वो काफ़ी मस्त है, आपको दिखने से लग रहा होगा। इसका फेस देखिए और इसका टेल अप वगैरह देखिए, सब कुछ एकदम मस्त है, काफ़ी मस्त है। दोस्तों ये अभी अराउंड 22 मंथ का है। आजा कम ऑन, अब बहुत ही एक्टिव है। स्पेशली मैंने इसे अपने लिए ही लिया है और देख सकते हो कि कितना मस्त है। इसके ओनर ने मुझे एज ए गिफ्ट दिया है, तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एक्टिव है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैब्राडोर का क्या एक्टिविटी रहता है, इसका वेट कितना होता है, और बड़ा होने के बाद आपके फैमिली मेम्बर के साथ ये कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पप्पी में जो लैब्रा होता है वो कुछ और होता है, और बड़ा होने के बाद उसका बिहेवियर कुछ और हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों लैब्राडोर बहुत ही फेमस डॉग है और बहुत ही लविंग डॉग है। और मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, अभी इलेक्शन का टाइम है तो बैकग्राउंड से काफ़ी आवाज़ आ रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा उसे हटा दूँ, बट फिर भी प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बहुत ही मस्त चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों कोई भी लैब्राडोर होता है उसका बिहेवियर काफ़ी शांत होता है, शांत टाइप का उसका बिहेवियर होता है, और ये एग्रेसिव बहुत ही कम होता है और गार्डिंग भी बहुत ही कम करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, बट कम करेगा। अगर आप लोग उसको ट्रेनिंग दे दो तो वो गार्डिंग भी कर सकता है, बट सैटिस्फैक्ट्री गार्डिंग तो नहीं देगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छा फैमिली मेम्बर बनेगा। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि प्लीज़ लैब्राडोर को रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके जो सूंघने का क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही ईजिली ट्रेंड हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये ट्रेंड हो जाता है। इसी के वजह से पुलिस वगैरह इसको रखते हैं। अब दोस्तों जब ये पप्पी होता है तो काफ़ी क्यूट, काफ़ी मस्त होता है, एकदम गोलू मोलू टाइप का रहता है। ऐसा नहीं है कि सारा लैब्राडोर का पप्पी आपको एकदम गोलू मोलू ही दिखेगा, वो उसके मदर फादर पे भी डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा होगा कि लैब्राडोर इतना मस्त नहीं दिखता, इतना फेस, ऐसा कान, ऐसा टेल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, तो उसका पप्पी भी वैसा नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है। तो जब वो पप्पी होता है कोई भी लैब्राडोर, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, आपको काफ़ी परेशान करेगा, बट जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा चीज़ों को वो सीखेगा, और इस एज आते आते 1.5 साल 2 साल आते आते बहुत ही शांत हो जाता है और चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझ लेता है। इसके वजह से आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, पप्पी में आपको परेशान करेगा। अगर आपके पास पप्पी है छोटा कम एज का, अगर लैब्राडोर है, तो आप लोग बताओ कि उसका बिहेवियर कैसा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो अभी आप देख सकते हो कि कितना फ्रेंडली, मैंने इसे मात्र 2 दिन पहले ही लाया है और अभी ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। तो इस तरीके से मतलब कि आप लोग देख सकते हो, और बड़ा होने के बाद ये थोड़ा सा मतलब कि मोटा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लोग ज़्यादा फीड करोगे तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, जो कि इसके हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। तो डाइट आपको हमेशा केयर करना होगा, ये बहुत ज़्यादा खाता है, अगर आप उसको अच्छे से खिलाओगे तो खूब खाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसके वजह से ओबेसिटी के कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अभी आप इसको देख रहे हो, इसका वेट 32 किलो का है, 32 kg का है, तो हल्का वेट अगर मैं 3 किलो कम कर दूँ तो भी चलेगा, इतना भी ठीक है, बट 2-3 किलो अगर मैं कम कर देता हूँ तो वो परफेक्ट हो जाएगा इस लैब्राडोर के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा ये न्यू फैमिली मेम्बर कैसा है। सेम टू सेम हमारे पास ब्लैक वाला भी आने वाला है, तो वो भी पेपर डॉग ही होगा, ये भी पेपर डॉग ही है। तो देखिए प्यारा सा मस्त एकदम मतलब खेलने के धुन में है, देखिए इसको, ये तो हमेशा खेलने के मस्ती में रहता है, इतना बड़ा होने के बाद भी एकदम मैच्योरिटी, ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी अभी तक आया नहीं है, मतलब मस्त है, काफ़ी मस्त है। एक लैब्राडोर फैमिली मेम्बर में होगा तो काफ़ी सही रहेगा। आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपका रूम या फिर फ्लैट या फिर घर बड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा इसे मज़ा आने वाला है, और जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा इसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ खेलूँगा और इसे दिखाऊँगा कि कितना ये एक्टिव है, मतलब इस एज में इतना मोटा होने के बाद भी, मोटा नहीं आप हेल्दी कहो इसको, क्योंकि 31-32 kg का है तो ये हेल्दी है, इस एज में इतना वजन होना ही चाहिए, बट फिर भी आप इसको देखिए कि कितना मस्ती से खेलेगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको किसी और डॉग के बारे में भी जानना होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपके पास लैब्राडोर है
तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि उसका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ बताइए। बहुत ही प्यारा है इसका बिहेवियर दोस्तों। चलिए हम लोग मिलते हैं और भी वीडियो में। अगर हमारे वीडियोस आपको चाहिए फ्री में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा, और बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। हम लोग मिलते हैं और भी वीडियोज़ में।